कमला मिल्क्स जैविक खाद लिमिटेड के चेयरमैन राजवर्धन सिंह ने बायोगैस प्रोजेक्ट को लेकर की प्रेस वार्ता। बायोगैस प्रोजेक्ट से होने वाले फायदे बताए और 16,000 रोजगार देने का वादा किया। जहां पर बायोगैस प्रोजेक्ट लगाना है वहीं के पढ़े लिखे लोगों को रोजगार दिया जाएगा। बायोगैस प्रोजेक्ट पहले 5 राज्यों में शुरू किया जाएगा, जिसका लक्ष्य 6,800 बायोगैस प्रोजेक्ट 2023 तक लगाने का रखा गया। बायोगैस प्रोजेक्ट का मॉडल भी पेश किया गया। आजाद तोमर की रिपोर्ट, हर खबर दिल्ली। आज कमला मिल्क जैविक खाद लिमिटेड के बायोगैस प्रोजेक्ट के शुभारंभ के अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित हो रहा हूं और अपना उद्देश्य साझा कर रहा हूं। आप सभी मेरा नाम भी जानते हैं, मेरा काम भी जानते हैं, लेकिन जो मीडिया के देखने वाले लोग हैं वो तो शायद नाम ना जानते हों। तो मेरा नाम राजवर्धन सिंह परमार है, मैं कमला मिल्क जैविक खाद लिमिटेड का चेयरमैन हूँ और अचिता जी इस प्रोजेक्ट की सीनियर मेंबर हैं, मानसी जी मेंबर हैं और सबसे छोटी दिखने वाली इंजीनियर निसी, जो कि बायोगैस प्रोजेक्ट का मॉडल बनाया है, अभी आपके बीच वो भी प्रस्तुत करेंगे। 3 विषयों पर बात करते हैं। इस कोरोना जैसी महामारी और बीमारी से आज देश परेशान है। आज लोगों के पास आर्थिक तंगी हो चुकी है, इस कहने में कोई दुराई नहीं होगी। कमला मिल्क जैविक खाद लिमिटेड 16,000 लोगों को नौकरी देने का काम करेगी, नंबर 1। नंबर 2, गांव में ही गोबर से गैस, CNG, बिजली और खाद बनाने का काम करेगी। उसके साथ ही शिक्षित MBA, BBA, MTech, BTech और तमाम ग्रेजुएट जैसे नवयुवक और नवयुवतियों को भी उनके गांव में ही, शहर में ही रोजगार के सुनहरे अवसर प्रदान कराने का काम कमला मिल्क जैविक खाद लिमिटेड और उसका सिलेक्शन बोर्ड करेगा। बहुत जल्द 5 राज्यों में नोटिफिकेशन जारी होगी कंपनी की तरफ से, जिसमें तकरीबन 16,000 लोगों की नियुक्ति होगी। कमला मिल्क जैविक खाद लिमिटेड में काम करने वालों का वेतन 16,000 से लेकर 1,20,000 तक होगा। किसी को रहने के लिए घर, चलने के लिए गाड़ी, ऐसी तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। भारत सरकार इस प्रोजेक्ट में हमारा बहुत ही अच्छा सहयोग कर रही है। वर्तमान में इस प्रोजेक्ट को लेकर तकरीबन 60 सांसदों से मेरी शिष्टाचार मुलाकात हो चुकी है, 15 राज्यसभा के सांसदों से शिष्टाचार मुलाकात हो चुकी है और तकरीबन 7 केंद्रीय मंत्रियों से भी मेरी मुलाकात हो चुकी है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी से भी वार्ता हो चुकी है और सभी व्यक्तियों द्वारा मुझे इस प्रोजेक्ट का चलाने पर समर्थन प्राप्त है और आगे भी मैं सभी से चाहूँगा, आप सभी के माध्यम से, कि हमें आवश्यक सहयोग, निर्देश व सभी देते रहें। गोबर को हम इसमें डालेंगे, ये टैंक है, इस टैंक से फिर वो आगे के प्रोसेस इंजीनियर द्वारा किए जाएंगे और यहाँ हम स्टोर करेंगे। तो गैस भी बन सकती है, बिजली भी बन सकती है, CNG भी बन सकती है और खाद तो इससे बनी रही है। नहीं नहीं, इसी में हम CNG बनाएंगे, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि आए दिन पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। तो CNG वहीं से सप्लाई होगी या फिर किसी एक पेट्रोल पंप वाले को? नहीं नहीं, पेट्रोल पंप नहीं, हम अपनी CNG अपने सेंटर से ही देंगे। सरकार से जो अधिकृत उनके मानक होंगे उनको हम पूरा करेंगे, सरकार की पूरी गाइडलाइन को फॉलो करेंगे और जो भी नियम होंगे उन्हीं नियम के तहत हम स्वतः अपनी CNG, जैसे रिलायंस का है अपने अधिकृत उनके स्टोर्स हैं, वैसे KMJKL के अधिकृत स्टोर होंगे और हम पब्लिक को
सस्ते से सस्ते दामों में सीएनजी, बिजली, खाद और बायोगैस उपलब्ध कराएंगे। इसका उद्देश्य हम कमला मिल्क जैविक खाद लिमिटेड के रूप में, आप जानते हैं हमारी स्थापना जो है वो 13 अक्टूबर 2014 में हुई थी। हमारी कंपनी ऑलमोस्ट 6 साल 8 महीने हम लोग को हो गए हैं। हम कमला मिल्क जैविक खाद लिमिटेड के बिहाफ पे एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं जो कि भारत सरकार से ऑथराइज्ड है। इसके अंदर हम लोग गोबर से बायोगैस बनाकर, हमारा उद्देश्य है कि हम लोग बिजली सप्लाई करें, गैस की पाइपलाइन जो है हम प्रोवाइड करें गांव-गांव में, जो गांव में माताएं बहनें होती हैं जिनके बहुत सारे दुखों का, बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ता है, हम उनको जो है उस संकट से निकालें, लोगों को रोज़गार दें। इस तरह से हम लोग 5 राज्यों में अपना प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च करना चाहते हैं, जिसमें कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और बिहार, ये 5 स्टेट्स में हमारा प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च करने वाले हैं। तो इसी की से अवगत कराने के लिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं। अब इसके बाकी उद्देश्य क्या, मैं अक्षिता त्यागी जी जो हमारी कमला मिल्क जैविक खाद लिमिटेड की सीनियर मेंबर हैं सिलेक्शन बोर्ड की, मैं चाहूँगी कि ये जो है आगे का इंट्रोडक्शन दें आप लोग को, हमारे उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है और इसके ज़रिए हम क्या क्या करना चाहते हैं, उस सब के बारे में आपको बताएँ। मेरा नाम मानसी है। तो मानसी जी ने अब मुझ पर सौंप दी है ये जिम्मेदारी। तो कमला मिल्क जैविक खाद लिमिटेड, इसके अभी तक 2 प्रोजेक्ट ऑलरेडी हो चुके हैं जो कि दूध में और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में थे। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से आप समझते हैं जैविक खाद। ये जैविक खाद हमें मदद करता है हमारी भूमि की संरक्षणा करने के लिए, क्योंकि जो उसकी ऊपर वो उपजाऊ है वो कैसे, उसकी कॉन्टीन्यूटी को बनाया जा सकता है, उसे सालों तक कैसे उपजाऊ बनाया जा सकता है। अब सर ने, हमारे जो माननीय इसके चेयरमैन हैं डॉक्टर राजवर्धन सिंह, उनका एक नया प्रोजेक्ट है, एक नया आइडिया है कि बायोगैस। अब गोबर गैस तो हो गई कि जो सिर्फ गोबर से बनाई जाए, अब बायोगैस होती है जो सारे खाद्य पदार्थ या फिर जो जैविक वस्तुएं हैं उनसे बनाई जाए। तो जो खाद्य पदार्थ और जैविक वस्तुएं हैं उसमें जो बचा हुआ खाना होता है होटल्स का, रेस्टोरेंट्स का, जो सड़ जाता है वो हम गरीबों को नहीं बांट सकते। तो गरीबों को ना बांट के वो खाना या तो फिक्के जाता है, तो वो फिके ना, तो वो खाना भी हम सस्ते से सस्ते दामों में रेस्टोरेंट से खरीदेंगे या एक उपयुक्त मात्रा में और उस मूल्य में हम उनसे खरीदेंगे, ताकि वो खाना फिके भी ना और उसकी कीमत भी बनी रहे, और उसे हम खाद्य उसमें यूज़ करेंगे जो हमारा प्लांट है। और ये प्लांट में सिर्फ खाना ही इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, जैसे स्लॉटर हाउसेज होते हैं फिर जो भैंसे या जहाँ चमड़े का काम होता है वहाँ का भी कुछ वेस्ट मटेरियल होता है, तो उस वेस्ट मटेरियल को भी इसमें इस्तेमाल करा जाएगा, क्योंकि वो ये अब दबाया तो जा नहीं सकता। आप भी जानते हैं कि भारत में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर वो खाना ऐसे फेंका जाता है, जैसे गाजीपुर में भी हैं कई जगह, ऐसे पहाड़ बन चुके हैं कूड़े के। तो ये जो पहाड़ है ना, इन चीज़ों से हम उस ऑर्गेनिक चीज़ को निकाल कर उसे बायोगैस में यूज़ करेंगे। और बायोगैस का क्या है कि अभी सर ने बताया 6800 अप्रॉक्सीमेटली वो रहेगी वैल्यू, जो इतने प्लांट सेटअप होंगे 5 स्टेट्स के अंदर। तो इन 5 स्टेट्स के अंदर एम्प्लॉयमेंट भी अपने आप बढ़ेगा, जो वहाँ का युवा है या बुज़ुर्ग है उसको भी उस चीज़ का अनुभव और एक आप बोल सकते बेनिफिट मिलेगा। और ये 2023 तक का हमारा एक सोच है, नज़रिया है कि हम उसे 2023 तक एस्टेब्लिश करें, अकम्पलिश करें। इसमें एक पूछना चाह रहे थे, जो प्लांट लगाएं उसके लिए कितनी जगह आप लोगों को चाहिए, और जैसे गांव की बात करें आप, बिहार की काम करें, किस तरह कनेक्शन दिए जाएंगे, क्या उसका रेट रखा हुआ है आप लोगों ने पर कनेक्शन का या क्या है? देखिए, सबसे पहले ज़मीन की बात आती है, तो हमें सबसे पहले एक डेमो भी बनाना पड़ेगा। वो डेमो लगभग बनेगा 1 बीघा ज़मीन में। तो 1 बीघा ज़मीन से आप समझ सकते हैं कि 800 गज रहेगा या 1000 गज रहेगा। वो बीघा, वो जो डेमो रहेगा वो प्लांट ऐसे ही सेटअप रहेगा। और जब आती है ओरिजिनल प्लांट की बात, तो ओरिजिनल प्लांट कम से कम 7 बीघा में या 10 बीघा में उसके लिए ज़मीन ली जाएगी। और इसकी जितने भी होगी, आपने पूछा कि कनेक्शन कैसे दिया जाएगा, अब आपने एम्प्लॉयमेंट की बात सुनी होगी, जब मैंने आपसे बोला कि एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी, तो वहाँ के जो लोकल मजदूर होंगे, जो लेबर्स होंगे, उनको एम्प्लॉय करा जाएगा, क्योंकि पाइप्स की सेटिंग जो होती है, इलेक्ट्रीशियन, टेक्नीशियन, आपको पता है लेबर की भी ज़रूरत पड़ेगी एक बिल्डअप करने में, हमें एक स्ट्रक्चर बनाना है, तो वो हम गाँव से एकत्रित करेंगे। तो उस गाँव के लोगों को बेरोज़गारी का सामना इतना नहीं करना पड़ेगा, कुछ समय के लिए, 6 महीने के लिए। और जहाँ कमला जैविक मिल्क खाद अपना हाथ रखती है, तो वहाँ के लोगों को वो हमेशा सुरक्षित या सुरक्षा एक नौकरी प्रदान करती है। तो वो आगे भी उसका यही है विजन कि वो आगे उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करे। नहीं, सुरक्षा की तो बात ठीक है, अगर जैसे एक गांव में 200 आदमी या 500 आदमी रह गए,
कितने घरों में आप कनेक्शन देंगे, किस उससे देंगे, कोई फीस उसमें रखी, जैसे कि खर्चा तो होना ही है, प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे उसके लिए। वो दाम अभी निश्चित नहीं करे गए हैं, वो दाम सर के अंडर में है, जो नया मैनिफेस्टो आएगा उसके अकॉर्डिंग। देखिए अब जैसे जैसे खाना, अब हम मूल्य में खरीदेंगे, हम उन लोगों से भी खरीदेंगे जो वहाँ का वेस्ट है, तो हम उनसे पहले खरीद के उनको भी एक प्राइस एक दे रहे हैं, अलॉट कर रहे हैं। उसके बाद उसका क्या रहेगा, क्योंकि बायोगैस कितनी मात्रा में वहाँ पर दी जाएगी, बनाई जाएगी, किस हिसाब से, वो सब अभी हमारा आगे के प्रोजेक्ट का प्रोसेस रहेगा जो सर डिसाइड करेंगे। इसका काम अगस्त में शुरू हो जाएगा। अभी हमारे सिलेक्शन बोर्ड के कुछ मेंबर्स हैं, अभी हम हैं, मानसी जी हैं, और ये इंजीनियरिंग है, ये इंजीनियर करेंगे, और ये भी हमारी नई मेंबर ही बनेंगी, ये अपने ट्रेनिंग पीरियड में है, जो अभी हमारे सिलेक्शन बोर्ड को ज्वाइन करेंगे। लाइक शेयर एंड कमेंट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज प्रेस द बेल आइकन।